तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 99 पर। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो हमारा घर हमारा विद्यालय जो आपको प्रयास पुस्तिका आपके स्कूल से यहाँ पर मिली हुई है, इसका जो है हम इस वीडियो में जो है कार पत्रक यहाँ पर यानी कि प्रोजेक्ट कार नंबर यहाँ पर 17वां यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए गाइस, यहाँ पर हम आपको प्रोजेक्ट कार नंबर 17वां यहाँ पर डायरेक्ट आपका विनर टाइम बेस्ड के यहाँ पर सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा गाइस आपका प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 17वां। तो इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व भी करने वाले हैं विनर टाइम वेस्ट किए। तो जल्दी से अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 17वां में यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, आपके पास आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाइए, उनका विवरण लिखें एवं चित्र चिपकाइए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है देख सकते हो, पहला हमारा पौधे का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, फिर वो शाख होती है उसमें झाड़ी होती है वृक्ष होता है वो लिखना है, जड़ का प्रकार लिखना है, फिर पत्ती सिरा और विन्यास और उसका चित्र भी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें लिखना है। तो चलिए गाइस जल्दी से हम इसको कंप्लीट यहाँ पर करवा देते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके जल्दी से यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो मक्का, तो पहले में आपको लिखना है मक्का। ठीक है, पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें लिखना है आपको मक्का और इसकी जो होती है क्या होती है वो शाख होती है और जड़ का प्रकार होता है रेशेदार और इसमें दोस्तों सिरा और विन्यास आपको लिख देना है और मक्का का यहाँ पर चित्र यहाँ पर बनाना है आपको। आप लोग चित्र बना भी सकते हो या फिर चिपका भी सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग कहीं पर भी फोटो कॉपी की दुकान पर जा कर के यहाँ से चित्र वहाँ से निकलवा सकते हो और यहाँ पर चिपका भी सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग बना पाते हो तो बना भी लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए चित्र भी मैंने आपको यहाँ पर बना दिए। इसके बाद दूसरा मैं आपको लिखना है गुलाब और ये शाख इसकी कैसी होती है झाड़ीदार, तो आपको झाड़ी इसमें लिख देना है और जड़ का प्रकार होता है मसूला। ठीक है, मूसला। ठीक है, इसमें आपको लिखना है मूसला और इसमें लिखना है आपको जलीका और इसमें आपको यहाँ पर गुलाब का यहाँ पर चित्र भी यहाँ पर बना देना है। इसके बाद तीसरे में आपको लिखना है नीम और इसमें लिखना है वृक्ष और इसमें लिखना है आपको मूसला। ठीक है, और इसमें लिख देना है जालिका और यहाँ पर नीम का यहाँ पर चित्र भी यहाँ पर चिपका देना है या बना देना है। चौथे में लिखना है आपको पालक, पालक के यहाँ पर क्या होती है शाख और ये कैसी होती है रेशेदार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है समांतर और यहाँ पर पालक का यहाँ पर चित्र भी यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर बना देना है। इसके बाद पाँचवा है आपका आम, पाँचवा में लिख देना है आपको आम, इसका होता है इसमें आम का क्या होता है वृक्ष और यहाँ पर आपको लिख देना है मूसला और यहाँ पर लिखना है जलीका और यहाँ पर आम का यहाँ पर चित्र भी यहाँ पर बना देना है। और छठवा है आपका, छठवें में लिखना है आपको मटर, मटर के बाद यहाँ पर लिखना है शाख रेशेदार और समांतर और यहाँ पर मटर का भी आपको चित्र यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद सातवां है आपका पीपल, पीपल लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है वृक्ष, यहाँ पर लिखना है मूसला, यहाँ पर लिखना है जालिका और यहाँ पर पीपल का यहाँ पर वृक्ष भी आपको यहाँ पर वृक्ष का चिन्ह भी यहाँ पर चित्र भी आपको चिपका देना है। आठवें में लिखना है आपको वैगन और यहाँ पर लिख देना है शाख रेशेदार समांतर और यहाँ पर आपको वैगन का चित्र भी यहाँ पर बना देना है। इसके बाद नौवीं में आपको लिखना है वेर, वेर कैसा होता है झाड़ीदार और यहाँ पर लिखना है मूसला और यहाँ पर लिखना है जालिका और यहाँ पर वेर का चित्र भी बना देना है आपको या चिपका देना है। दसवीं में लिखना है बरगद, बरगद का क्या होता है वृक्ष, यहाँ पर लिखना है मूसला और यहाँ पर जालिका और यहाँ पर बरगद का आपको यहाँ पर वृक्ष भी यहाँ पर बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करपत्रक सा में जो आ वाला पूछा गया था क्वेश्चन ये जो हमने कंप्लीट करवा दिया है। और इसके बाद जो दूसरा अपना बा वाला पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, बा वाला किसी भी पुष्प के जड़ गुड़हल धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपकाइए और नाम लिखिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले में गुड़हल का यहाँ पर चित्र आपको चिपका देना है और नाम लिख देना है आपको यहाँ पर गुड़हल। इसके बाद दूसरे में आपको यहाँ पर धतूरा का चित्र चिपका देना है और यहाँ पर नाम लिख देना है इसका धतूरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दोस्तों सरसों लिख देना है और सरसों का यहाँ पर चित्र भी यहाँ पर बना देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो या चिपका देना है आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गेंदा और गुड़ दोस्तों गुल मोहर और यहाँ पर चमेली, यहाँ पर दोस्तों गेंदा का मैंने चित्र बना दिया है और गुल मोहर का भी चित्र यहाँ पर बना दिया है और यहाँ पर चमेली का भी बना दिया और लास्ट में आपको लिखना है लिली, तो लिली का भी चित्र यहाँ पर चिपका देना है। तो ये जो हमारा इसी प्रकार से करना था आपको कारपत्रक 17वां, तो ये जो है आपका कारपत्रक, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 17वां यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा घर हमारा विद्यालय का। अब हम प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 18वां नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।